नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक और अब खबरों को देते हैं विस्तार। ग्वालियर के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आनंद पाठक जी द्वारा आज व्यवहार न्यायालय के भवन का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायालय श्यामा चरण उपाध्याय जी विदिशा द्वारा किया गया। गंज बासौदा में नवीन न्यायालय परिसर का ग्राम रिजोदा में निर्माण कार्य प्रगति पर है, जहाँ पर व्यवहार न्यायालय भवन का निर्माण हो चुका है, जिसका आज लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में सभी स्थानीय न्यायाधीश, अधिवक्ता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जज वंश का घराना था जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम हैज बिकम ए नेसेसिटी। रतलाम पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के मार्गदर्शन में चल रही धरपकड़ में नामली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नामली थाना अंतर्गत नयापुरा में बड़ी मात्रा में आचार संहिता के दौरान लगभग 38 पेटी अवैध देशी शराब पकड़ी गई। आरोपी सभी मौके से फरार हैं। मौके पर सिसोदिया कृषि फार्म नयापुरा की ट्रॉली में अवैध शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत 95,000 करीब बताई जा रही है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। इससे पहले भी यहां कुछ महीने पहले बड़ी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने की मशीनें पकड़ी गई। इस बड़ी अवैध शराब की कार्रवाई से पुलिस प्रशासन की सराहनीय कार्रवाई की प्रशंसा की जा रही है। मैं कल रात्रि करीब 9:15 बजे करीब मुख्य से सूचना मिली थी कि नयापुरा का सिंह पिता सुरेंद्र सिंह ट्राली में शराब भर के लाया है, जंगल में कहीं छुपा के खड़ी कर रखी है अपने खेत के आसपास, और वहाँ से शराब बिक्री कर रहा है। इस सूचना पर से मजबूत सूचना मिली थी। उस पर से कार्रवाई करते हुए जब रात में सर्चिंग की तो जंगल में से उसके खेत की तरफ से एक ट्राली मिली है। फिर मौके से वो नरेंद्र सिंह भाग गया। 38 पेटी शराब मिली है, करीब 95,000 रुपये की शराब जब्त हुई है। हर्षोल्लास से मनाया नववर्ष। गंज बासौदा चैत्र नवरात्रि के पहले दिन गुड़ी पड़वा और चैती चांद तीनों उत्सव एक साथ शहर के लोगों ने अपने अपने तरीके से मनाया। नवरात्रि के पहले दिन शहर में अनेकों आयोजन हुए, जिसमें नागरिक सेवा समिति द्वारा रेलवे स्टेशन पर निःशुल्क जल सेवा और भोजन सेवा का शुभारम्भ किया गया। वहीं नववर्ष के अवसर पर सुबह के समय सनातन धर्म समिति द्वारा संकीर्तन यात्रा शहर के मुख्य मार्ग से निकाली गई। वहीं पूज्य सिंधी समाज द्वारा भगवान झूलेलाल जयंती के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। सरस्वती स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा चैक चौराहे पर लोगों को तिलक लगाकर नव वर्ष की मंगल कामनाएं प्रेरित की गईं। वहीं पंछियों को इस भीषण गर्मी में कंठ तर करने के लिए पानी की व्यवस्था के लिए जल पात्र का वितरण पंच तत्व द्वारा जल पात्र निःशुल्क प्रदान किया गया। गंज बासौदा से NL चौबे की रिपोर्ट। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मतदाता को जागरूक करने के लिए रन ऑफ अंबेडकर के नाम से 370 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। अंबेडकर जन कल्याण समिति के तत्वाधान में सैकड़ों लोगों ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया। 370 फीट लंबी तिरंगा यात्रा को देख युवाओं में लगी सेल्फी की होड़। तिरंगा यात्रा दरअसल हम सब लोग रन फॉर अम्बेडकर के माध्यम से इसको हर कई वर्षों से हम निकालते चले आ रहे हैं,
और जिस तरीके से अब हम चूँकि देश जो है इस समय लोकतंत्र के समुद्र में गोती मार रहा है, तो चूँकि हमारे यहाँ 11 अप्रैल और 18 अप्रैल को वोटिंग है, तो हम सब लोग जो रन फॉर अम्बेडकर के माध्यम से समाज को, देश को, प्रदेश को और ज़िले को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट करनी है और हमें रन फॉर अम्बेडकर के माध्यम से, हम हर साल से रन फॉर अम्बेडकर मनाते हैं, लेकिन इस बार हमने सबसे आकर्षक यही रखा कि जो तिरंगा है देश की आन बान शान का प्रतीक है और हमने इसको सबसे आगे रखा है और मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत हमने इसको आगे बढ़ाया है और हमने हज़ारों की तादाद में इसमें लोगों ने भाग लिया है और आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में बहन बेटियां, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया। रतलाम जिले के नामली में अन्नदाताओं की 4 माह मेहनत के बाद गेहूँ को लेकर अनाज मंडी में बेचने जाता है, मगर गेहूँ का भाव सही नहीं मिलने से गुरुवार को किसानों द्वारा नामली अनाज उपमंडी में हंगामा किया गया। हंगामा बढ़ने की सूचना पर कलेक्टर रुचिका चौहान ने नामली तहसीलदार को मंडी में पहुंचाया गया। सूचना पर रतलाम कृषि मंडी सचिव भी मौके पर पहुंच गए। सचिव ML चौरसे ने व्यापारियों व किसानों को बैठाकर किसानों की समस्या जानने की कोशिश की। किसानों के अनुसार उन्हें गेहूँ के दाम 1550 से 1750 तक ही मिल रहे हैं, जबकि 1840 गेहूँ का समर्थन मूल्य है। समर्थन मूल्य से कम दाम से किसान भड़क गए। गेहूँ की नीलामी डबरा की गई, मगर व्यापारी निर्धारित होने से गेहूँ के सही दाम नहीं मिल पाए, जिससे किसान अपनी उपज नहीं बेच पाए। बाव मंडी से गेहूँ लेकर किसान अपने घर चले गए, मगर कुछ किसान मजबूरी में कम दाम पर गेहूँ बेच कर गए। वही मंडी सचिव द्वारा भी उपज का दाम सही नहीं मिलने की बात मानी गई। जितेन जी, आपका क्या हुआ ये गेहूँ में? 1657 सर। तो क्या हुआ फिर इसमें, आप क्या कर रहे हो? आप नहीं दे रहे सर, कैंसल। कैंसल कर? कितनी ट्रालियां कैंसल हुई होगी? टोटल ट्राली कैंसल सर। टोटल ट्राली कैंसल है? टोटल ट्राली। इसमें और किसान कहाँ है? सब यहाँ जैसा बैठा जी। अच्छा ठीक, सब डॉक्यूमेंट है। तो अब इस पे क्या मांग कर रहे हैं? सब जो सरकारी रेट खोले भी नहीं, रेट का रेट में आना चाहिए। नामली मंडी में आज व्यापारी द्वारा अपने नीलामी भाग नहीं लेने से किसानों का जो गेहूँ है वो कम नीचे भाव में बिक रहा था, ऐसी शंका थी, जिसके चलते एसडीओ महोदय द्वारा मुझे सूचित किया, मैं मुख्य वार्ता पूछा, यहाँ नीलामी बंद थी। पश्चात व्यापारी को बुलवाया गया, बुलाने के पश्चात भी 3-4 व्यापारी उपस्थित हुए, फिर भी पैरिटी अनुसार उनका माल नहीं बिक रहा। इसकी सूचना उन्होंने पुनः SDM साहब को दी कि किसानों में असंतोष से, किसान इससे संतुष्ट नहीं है, आपके द्वारा हमें निर्देशित किया गया है कि कल 10:30 बजे आपकी उपस्थिति में नीलामी प्रारंभ की जाएगी। नमस्कार, खबरों में इतना ही और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइन।